मॉर्निंग। आज है 31st of December, कल है 1st January 2022। ठीक बोल रही हूँ ना यार? हाँ, क्योंकि 2020 और 2021 जो है वो तो हमने कोरोना में निकाल दिए हैं, इसलिए अब तो ऐसे ही मतलब जंप ही कर दिया एक्चुअली 2019 से 2022 के ऊपर। और अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि आज करना क्या है। मतलब वैसे तो ऐसे भी हम कुछ खास नहीं करते, बहुत शांति के साथ ही 31st of December चला जाता है। छोटू सी पार्टी हो जाती है शाम को, कि कभी बाहर से कुछ मंगा लेते हैं या कभी घर में ही कुछ मीठा बना लेते हैं। स्पेशली गाजर का हलवा 31st of December को आई थिंक मोस्टली यही बनता है, गाजर का हलवा। तो मैं अभी चीनू से भी यही पूछ रही थी कि शाम के लिए क्या करना है यार, क्या डिसाइड करें। मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है, नॉर्मली खाना तो सभी के घर में बनता है, बट एक स्वीट डिश या कुछ बाहर से मंगाना है या क्या करना है, तो वैसे हम देख लेते हैं। और अभी आगने गया हुआ है अपनी डांस क्लास के लिए, आज बहुत जल्दी चला गया है। बहुत जल्दी मीन्स पहले उसका लेट था, फिर थोड़ा जल्दी हुआ, अब थोड़ा और जल्दी, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है ना, इसलिए तो बस उसका टाइम होने वाला है, उसको लेकर आना है अभी। तो मैं अभी चलती हूँ, या फिर मैं सोच रही हूँ कि उसके दादू भी अगर अभी फ़ोन में बात कर रहे हैं, अगर वो फ्री हो गए तो फिर वो लेकर आ जाएंगे उसको डांस क्लास से। बट एक्चुअली टाइम होने वाला है तो देखते हैं, शायद मैं ही जाऊँ, मैं ही उसको लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ सामान तो लाना ही है ना बाहर से, तो मैं अभी ले आती हूँ उसके साथ ही जाकर। और लेकिन मुझे देख के ना उसकी डिमांड्स बढ़ जाती है थोड़ी, ये हो जाता है, तो चलती हूँ उसको लेकर आती हूँ। बहुत ही ज़्यादा धूल होने वाली है और वहाँ जाके ना बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बाल धो के जा रही हूँ ना, इसलिए जो चीज़ मैं लेने गई थी वो भूल के आ गई हूँ, गाजरे उसके अलावा सब ले आई हूँ। ऐसा होता है ना कई बार, जब हम जो लेने जाते हैं ना वो छोड़ देते हैं। अब मैं जिन उनको बोलूँगी, देखती हूँ जब आएंगे। वैसे भी रात को ही बनाना है, ये रात को तो बनाना है, बट अभी लगी हूँ मैं लंच बनाने। लंच तो मैंने आज तैयार, क्या हुआ गंदा कैसे हो गया बाबा? ये वॉशरूम गया है शायद, वहां पर किसी के फुटप्रिंट्स देखकर ये वापस आ रहा है, बोलता है कि रेड हैपी से साफ कर दो। पहले खाना बनने ही बनाऊंगा, रेड हैपी से साफ करो। मेरे फुटप्रिंट्स नहीं, मैं नहीं गई वहां पर। मेरे वॉशरूम में आपके फुटप्रिंट्स? दादू से क्वेश्चन हो रहा है डुगू का। डुगू बोल रहे दादू को आपको बाहर से नहीं लाना चाहिए चप्पल। बच्चे डुगू ऐसा करो आप ना, ये दूसरे वॉशरूम में चले जाओ, वो वाले वॉशरूम में चले जाओ, ये अपने ही वॉशरूम में जाएगा। ओके। और हाँ, मैंने ना सुबह ही लंच के लिए सोचा था कि सुबह बना दूंगी, और ऑलमोस्ट तैयारी भी कर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद जो डुगू को लेकर गए हैं, छोड़ कर गए हैं, लेने गए, लेकर आए, सामान लिया, बीच में आज लेट नहीं, थोड़ा जल्दी ऐसा किया कि हाँ स्नान कर लेते हैं, सबके सब टाइमली रेडी हो चुके हैं। तो मुझे लगा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी सभी का हो चुका, किसी ने भी कोई हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स एंड दूध के साथ किया। लेकिन मुझे ये था कि मैं झाड़ू पोछा लगाने के टाइम पे जल्दी लगा देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है और फिर ना वो सुस्ती पड़ती है उस चीज़ की, इसलिए। तो बस वो सब कुछ करने के बाद अभी बज रहे हैं 12 पूरे और हम कर रहे हैं ये झाड़ू। मतलब हमारी साइड को तो जो ये हम अरबी बनाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं टूटुआ, ठीक है, और जहाँ को शादी हुई है मेरी वहाँ बोलते हैं गागली, गागली। और मैं हैरान हो गई थी पहली बार, मुझे पता लगा था कि दूध के साथ वो ऐसे खा सकते हैं इसको। वैसे तो हम भी खा लेते हैं इसको, लेकिन दूध के साथ कोई कॉम्बिनेशन कभी देखा नहीं था, तो वहाँ दूध के साथ खाते हैं इसको, अरबी को उबाल के। इसको ना गागली बनती बहुत जल्दी है, इसलिए भी ये सही चीज़ है। उबाल, चलो उबाल के रख दिया, उबालने में भी बहुत जल्दी उबल जाती है, नीचे गिर गया, उबल भी जल्दी जाती है। और उसके बाद इसको जब तड़का लगाते हैं ना, बहुत जल्दी ही इसका प्रिपेयर हो जाती है, तो अच्छी चीज़ है। मेरा मन कर रहा है एक मैगी खाने का। हाँ। आपके लिए बन रही है, मैं खुद नहीं खा सकती मैगी, आप ही खा सकते हो सिर्फ। ठीक है, आज ही खा लो। ठीक है, आज ही खा लो। बना रही हूँ। ठीक है, आज ही खा लो। यहाँ डुगू और चीनू दोनों के दोनों खेल रहे हैं आपस में,
देखो वो बहुत अच्छा लगता है जब इसके साथ हम में से कोई भी खेलता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मम्मा पापा खेल रहे हैं मेरे साथ। वैसे आजकल थोड़ा कम हो रखा है, और यहाँ पर दोनों देखो चिपके बैठे हैं। तो अभी अभी पता लगा है कि शाम को हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, और मैंने सोचा मैं प्रिपरेशंस करना शुरू कर देती हूँ क्योंकि 2:30 बजने लग गए हैं। बजने क्या लग गए हैं, 2:30 बज ही गए हैं। तो शाम के लिए मैं प्रिपेयर कर देती हूँ, मैं टाइमली प्रिपेयर कर दूँगी सो दैट कि जब कोई आए तो उस टाइम पे मैं हॉच पॉच ना हो किसी भी चीज़ का, क्योंकि अभी कुछ और चीज़ें भी मैनेज करी। गाजर का हलवा तो कैंसिल हो गया बहुत टाइम लेगा, देखती हूँ शायद बना दूँ, बट अब मुझे लगता है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो मैं गाजर के हलवे में ही रह जाऊँगी। बनाती हूँ इसको, तो मैं बाकी खाने की तैयारी करती हूँ। और मुझे लगा था कि इस न्यू ईयर पे मैं, चीनू और पापा ही होने वाले हैं, मतलब डुगू और हम लोग ही, बट अब हमारे साथ 3-4 लोग और जुड़ेंगे इस न्यू ईयर पे। मैं आपको उनसे मिलवा नहीं पाऊँगी, बट मैंने क्या बनाया वो मैं दिखा दूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी चीज़ें बनाऊँगी थोड़ी जल्दी बने, बहुत लंबा ना चले काम, अचानक से जब होता है तो बहुत लंबा वाला काम छेड़ना भी नहीं चाहिए। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना, मतलब कुकिंग प्रिपरेशंस जो करनी है, और आप लोग को दिखाऊंगी उसके बाद कि क्या क्या मैंने बनाया है। तो व्लॉग इवनिंग में फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने कहा था गेस्ट आनी है तो मुझे कुछ काम करना है, तो मैं बस लगी थी काम करने के, दोबारा फ़ोन आ गया था कि वो नहीं आएंगे अभी। मैं अच्छा, फिर मैं ऐसे ही बैठ रही, मैं ये भी आपको कह रही थी ना कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो बस उसके बाद मुझे कुछ थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड लगी, और अभी भी मैंने स्वेटर के ऊपर स्वेटर डाला हुआ है और रजाई में बैठी हुई हूँ। ये तो खैर मैंने उसी टाइम डाल दिया था, और बिल्कुल आ गई थी मैं रजाई कंबल में आके बैठ गई थी, फिर तो भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर मेडिसिन लेकर, हाँ मेडिसिन ली, 2-3 बार चाय पी, तो अभी थोड़ा ठीक हुई हूँ। और ये ऐसा टाइम है कि इस टाइम पे ना मैंने कुछ खाने पे को बना रखा है, जो दिन में बनाई थी सब्जी वो मैंने, मतलब मैंने खुद ने भी लंच नहीं किया, मैंने अभी शाम के टाइम जब चाय पी है तब एक चपाती खाई किसी चीज़, मतलब वो भी अरबी के साथ नहीं खाई, कल की जो सब्जी थी ना वो थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने उसी को गर्म करके उसके साथ खा लिया। और सोचा नहीं था, कई बार ऐसा होता है ना कि नया साल कल शुरू होना है, और चाह के भी मैं खुद को ना एक्टिव नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं एक्टिव मूड में आ जाऊँ, बट आया नहीं जा रहा है। नया साल शुरू होने वाला है, लेटे लेटे नहीं रह जाएगा। अभी तबीयत ठीक है तो लेट्स प्रिपेयर समथिंग। मैंने सोचा पनीर भुर्जी जल्दी बन जाएगी, तो मैंने बस मैं पनीर भुर्जी बना देती हूँ। मम्मा, हाँ जी बेटा, पांच बसों के ऊपर कार कौन जंप लगाता है देखना पड़ेगा। मोबाइल देख देख के ना डुगू तेरा हाल बहुत बुरा हो गया बेटा। आज आप तो सोए नहीं मम्मा। मैं कब नहीं सोई, मम्मा तो इतना सोई है आज। चलांगे नहीं होता, छलांगे होता है चलांगे। जहां से मैंने सुबह ये व्लॉग स्टार्ट किया था मैं वहीं पर आकर बैठ गई हूँ, एंड टचवुड इस टाइम मैं ठीक हूँ। तो अपना अभी बस बनाया था मैंने थोड़ा सा लेकिन ठीक बन गया। और मुझे भी ये ना, मतलब गिल्ट सा नहीं रहा यार, ये गिल्ट आता है कि आज लास्ट डे है ईयर का और मैं बेड के ऊपर बस लेटी हुई हूँ एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, वो चीज़ नहीं थी। तो बस अब जो आज का जो ये व्लॉग है इसको यहीं पर एंड करती हूँ, एंड आप सब लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत 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 अच्छा, जो आपको चीज सब मिले ठीक है, और आप हेल्दी भी रहें और वेल्दी भी रहें ठीक है। तो बस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि न्यू ईयर का दिन अच्छा हो, शांति वाला हो, प्यारा प्यारा हो, और अच्छा अच्छा हो, और फॉग तो बिल्कुल ना हो ठीक है। तो बस ओके, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।